तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रोम से, हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद। अरुण, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है और ये कार्यक्रम क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवी पहुंचे हैं और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि G20 समिट को अटेंड करने आए हैं वो भी यहाँ ट्रेवी फाउंटेन पर पहुंचे हैं। बड़ा ही फेमस इस ट्रेवी फाउंटेन को माना जाता है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है और माना जाता है कि कई लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो कॉइन्स को भी इस ट्रेवी फाउंटेन में फेंकते हैं। ये काफी सिंबॉलिक रहता है और हम जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स भी वो यहाँ पर इस ट्रेवी फाउंटेन में यहाँ देख रहे हैं यहाँ का नजारा। और एक तरह से ये मंच है जिससे कि एक पर्सनल केमिस्ट्री को साझा किया जा सके, इनफॉर्मली बातचीत की जा सके। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि G20 समिट के अंदर वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, चाहे इमैनुअल मैक्रों हो, बोरिस जॉनसन हो, जो बाइडेन हो, दुनिया भर के बड़े नेता आपने कल देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वहाँ G20 समिट वेन्यू पर उनकी मुलाकात हुई। तो आज भी ट्रेवी फाउंटेन जो यहाँ पर रोम के अंदर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरेक्ट करते हुए वर्ल्ड लीडर्स के साथ में और अपने एक्सपीरियंसेस से यहाँ पर जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स से साझा करते हुए। ट्रेवी फाउंटेन की खासियत ये है कि यहाँ अट्रैक्शन तो है ही है, कई सारी बॉलीवुड और कई जो फिल्म है यहाँ पे शूट हुई है इस ट्रेवी फाउंटेन में। यहाँ पर वर्ल्ड लीडर से सेल्फी भी ले रहे हैं और खास बात यह है कि ट्रेवी फाउंटेन की बात करें तो ये माना जाता है कि 3,000 के आसपास यूरो जो सिक्के जो कहते हैं वो ट्रेवी फाउंटेन में लोग डालते हैं। एक सिंबॉलिक होता है, एक जेस्चर होता है, यहाँ पर लोग आते हैं सिक्कों को डालते हैं। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सिक्के इस ट्रेवी फाउंटेन में डाले जाते हैं उसका उपयोग या इस्तेमाल या चैरिटी के लिए किया जाता है। जो 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 अंडर प्रिविलेज लोग हैं वहाँ चैरिटी के लिए किया जाता है, उनकी खाने के लिए प्राइमरीली इसको किया जाता है, शिक्षा के लिए किया जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह की केमिस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, कल चाहे G20 समिट में हो या फिर आज देखिए ट्रेवी फाउंटेन पर वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर। और इस बार G20 समिट का जो खास फोकस रहा था ग्लोबल इकोनॉमी लेकर के, ग्लोबल हेल्थ को कैसे दुरुस्त किया जा सके उस बात पर, और साथ ही साथ इस बात पर भी था कि कैसे प्राइमरीली एक बेहतर स्वास्थ्य विधेयक बनाया जा सके जैसे जिससे कि प्राइमरीली यू नो फ्यूचर के जो पैंडेमिक्स है उनको रोका जा सके।